बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और रमज़ान का महीना बहुत मज़े का गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले जो रोज़े हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरेंगे। और 15 रोज़े रह गए। तो अच्छा, मैंने आपको रमज़ान से पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि मैंने ईद के कपड़े सिलने के लिए दिए हुए हैं, तो अब वो फाइनली आ गए हैं। तो मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी कि पूरे कंप्लीट तैयार हो जाएं, क्योंकि उसके दुपट्टों की पीक को ये वो सारा आपको पता है कितना मुश्किल हो जाता है लड़कियों की तैयारी में। तो सोचा जब पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगी। तो ईद के कपड़े मेरे, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से मैंने सिलवाए हैं। ठीक है, अच्छा मैंने सिंपल सूट सिलवाए हैं। मतलब सिंपल ये नहीं कि कपड़ा सिंपल सिंपल से मुराद ये कि पंजाबी सूट सिलवाए हैं मैंने। इसके ट्राउज़र्स नहीं बनवाए, क्योंकि इतने ट्राउज़र्स पहन पहन के मैं थोड़ी तंग आ गई थी। और वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, शौक़ है पंजाबी सूट पहनने का। तो मैंने चारों जो सूट हैं मेरे, मैंने पंजाबी सूट सिलवाए हैं। कलर तो कलर देखें। तो ये तो मैंने पीछे छुपा के रखा है, मेरा फेवरेट। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला कुर्ता दिखाती हूँ। ये देखें, सिंपल है पर काम वाला कुर्ता है। और बैक पे देखें, डोरी लगाई हुई है। ये मैं जब पहने थे ना तो माशा बहुत खूबसूरत लगे थे, सारे मैंने ट्राई किए हुए। कलर बहुत खूबसूरत है और मुझे तो बहुत पसंद आए सच्ची में। और इसके साथ शलवार है, ये देखिए इस तरह की शलवार ना, बड़े बड़े पौचे वाली, ये जो चलती है पंजाबी सूट में, इस तरह की शलवार चलती है ना। अच्छा, इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, ये देखिए। आजकल ये पीको है मेरे ख्याल में। आजकल इस तरह की पीको चल रही है। और मैंने कहा, सोचा मैंने कहा लिया बताओ कौन सी अच्छी लग रही है, तो कह रही है अवली ज्यादा अच्छी लग रही है। मैंने कहा ठीक है, इसके जो पल्लू पे मैंने पंजाबी कल्चर इसका वैसे तो ये फ्रंट बना हुआ था, इसका साइड बॉर्डर, हाँ बॉर्डर बना हुआ था। इसका जो साइड पे पल्लू है, लेके दिखाओ। हाँ लेकर दिखाऊं तगा रहे आगे खैर अच्छा हाँ ऐसा। तो इंशाल्लाह जब ये सूट मैंने जब पहना था ना, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी तो इतना खास पता नहीं चलता। अच्छा, जो दूसरा सूट है मेरा, जो दूसरा सूट है वो ये रहा। वाओ माशाल्लाह, कलर कॉम्बिनेशन इसकी दो बॉर्डर पर है। और ये देखिए, ये भी पंजाबी गोटे का काम है, गोटे का। और ये भी पंजाबी सूट से बाहर, ठीक है। पीछे डोरी भी लगवाई है। इसके साथ भी शलवार है, ठीक है। और इसका दुपट्टा देखिए आप। इसका भी बॉर्डर बना हुआ था, लेकिन बारीक वाली पीक को पहले अलग करवाई है। वो कह रहे थे आपसे ये ज्यादा अच्छी लगेगी, तो मैंने कहा ठीक है। आजकल पीको में भी बड़ा बहुत वैरायटी आई हुई है और बहुत जबरदस्त। ये देखिए, ये पीको है, ये पीको करवाई हुई है, देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत है इसके पल्लू पे। इंशाल्लाह ईद पर भी ईद मुबारक कहेंगे, इन्हीं ड्रेस में से कोई एक ड्रेस पहनूंगी तो फिर आपको ज्यादा पता चलेगा। अच्छा, ये मेरून कलर, मुझे रेड लग रहा है। नहीं यार, ये मेरून है। अच्छा मेरून है, हाँ ये देखिए। वाओ माशाल्लाह, उसने बहुत हैवी नहीं सिलवा ली इतने? हाँ ना, मैं गलती हो गई, बहुत हैवी गलती सब काम करने के बाद गलती का एहसास हो रहा है। मुझे गलती हुई, सोचा मैं वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं सिलवा ली। हाँ। इसके भी बैक पे इस तरह मैंने डोरी और टसल जो लगवाए, कितने खूबसूरत है। ठीक है, इसके साथ भी शलवार है, सेम शलवार है तो उसी तरह ही है। इसका दुपट्टा देखते हैं, इसके मेरे चारों तरफ ये वाली लेस लगवाई है, ये वाली बॉर्डर सितारों वाली। हाँ, ये डबल सितारे वाली, ये वाली लेस है, ये पूरे चारों तरफ लगवा ली, तो ये अच्छी लग रही थी। ये भी लेके दिखाओ। लेकर दिखाऊं? हाँ
अभी तो वो नकाब वगैरह किया, इतना खास पता नहीं चलता ना पूरा बंदे। जब लड़की तैयार होती है ना तो फिर अच्छा लगता है। अच्छा, और ये मेरा फेवरेट आ गया ब्लैक कलर, ठीक है ये देखिए। इसका कपड़ा ही बहुत महंगा है पता है, ये कीमत नहीं बतानी कपड़ा बहुत महंगा है। और इसके भी मैंने सेम सिलाई तो सेम वही है, जैसे डिजाइन हाँ, कोई चेंज नहीं है हाँ। क्योंकि मैंने उनको कहा था मुझे सारे पंजाबी सूट सिलवाने, तो ये देखिए हाँ अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ अल्लाह ताला खुशियां दे नाल पहनना नसीब करे आमीन। ये शलवार है इसके साथ, और इसके साथ दुपट्टा, उफ दुपट्टे ने तो बड़ी जान खाई, दुपट्टे ने तो इसकी पता नहीं दुपट्टा दुपट्टे के बड़े नखरे उठाए हां ना, अलग खरीदा रंगवाया बहुत मेहनत पड़ी। अच्छा, इसके जो यहाँ भी लैस लगवाई है मैंने, पीको है सारी, ये सारी पीको, और यहाँ वाली पीको ये बहुत खूबसूरत पीको, ये भी पीको जाल है पता नहीं उसका, मोतियों मोतियों का ना सारे पल्लू हैं। ये भी लेके दिखाओ, हाय ये भी सोना लग रहा है। अच्छा ठीक है, ओके अब मैं दिखाती हूँ इनके साथ ज्वेलरी। ये ब्लैक सूट है, इसके साथ ब्लैक चूड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, खरीदने की जरूरत नहीं है बिला वजह फजूल खर्ची करने की, वैसे इतना खर्चा हो गया तो यार सारी मैच हो रही है, गोल्डन ना गोल्डन ही वही ना, तो घर में बैग की जबरदस्त जब घर में, अरे हाँ वही ना, चूड़ियों में तो खैर कोई इतना खास डिजाइन नहीं आता तो आजकल भी यही चल रही है। अच्छा, और ये मैरून वाली भी घर से ही निकल गई, मैंने कहा मैरून के साथ मैरून पहन लूंगी, है ना क्या ख्याल है? सही भाई सही है। और ये सिल्वर कलर है, ये सिल्वर कलर मेरे ख्याल से इसके साथ मैच, हाँ इसके साथ उसकी दुपट्टे लगा हुआ ना, तो बाकी ज्वेलरी इसमें। अच्छा, ये एयर रिंग्स हैं, ये मैरून के साथ पहन लूँगी हाँ, देखिए माशाल्लाह बड़े प्यारे मैच हो रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा रखे देने उत्ते। अच्छा ये देखिए, ये हाल है मेरा ज्वेलरी रखने का, ज्वेलरी बॉक्स नीचे है नहीं, थैली पा के लेके आई हैं। ऐसा ना ज्वेलरी खराब हो जाती हाँ, हो जाती है वो मैं बॉक्स दे। अच्छा, ये ब्लैक कलर ब्लैक सूट के साथ पहन लूँगी, सिंपल सी, जब सूट इतना हैवी है तो मैंने कहा चलो ज्वेलरी थोड़ी हल्की फुल्की ठीक है ना, ये एयर रिंग्स है ना, एयर रिंग्स है। और ये एयर रिंग्स हैं, ये देखिए वाह, ये इस सूट के साथ पहन लूँगी ना मैं, ये सिल्वर वाले के साथ हाँ, इसके साथ चलेगी अच्छी होगी। बाकी रिंग्स हैं ये दो, कहाँ गई दूसरी, ये रही कुंदन वाले बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये भी इसी सूट के साथ अच्छी लगेंगी। ये एंकलेट्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, हर मैं बहुत ज़्यादा ख़रीदती हूँ और काफ़ी जल्दी ये टूट भी जाती है, बहुत नाजुक होती हैं, कलर अच्छे हैं ना उसमें हाँ, तो ये बहुत सारी मैंने लेकर रखी हुई हैं, ये सिल्वर कलर की भी है, एक मिनट पहन के दिखाओ हाँ ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मैंने जूती का पेयर लिया है, सैंडल ठीक है, सिंपल तो ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, ब्लैक के साथ बिल्कुल सेम हो गया, गोल्डन और ब्लैक इसके साथ मैच कर रही है। चलो एक ही जूती से गुजारा कर लेंगे। इस तरह की तो कैसी लगी मेरी शॉपिंग ईद की, सिंपल सी, अच्छा सिंपल सी, इतनी फैंसी ड्रेसेस हैं सारे, ड्रेसेस लेकिन गर्मी होगी, लॉन के होने चाहिए थे हाँ, वो ना लॉन के तो इनको मैंने बता दिए थे ना, अच्छा 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 हाँ, तो वो इंशाल्लाह वो पहन लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो होता ही ओकेजन ओकेजनली बंदा थोड़ी देर एक घंटा डेढ़ घंटे के लिए पहन लिए बंदा, फिर उतार ले दूसरे पहन लेता कपड़े, कोई ऐसा मसला नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी मई की थे भाई। तो ठीक है, आपको ये शॉपिंग मेरी कैसी लगी और मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा, ओके लव हाफिज़।